हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हैमिल्टन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हैमिल्टन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे विच इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस, ये है हमारा ओरिजिन ओ। पार्टिकल जो है वो इस समय पर पी पॉइंट पर है और इसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे पी पॉइंट पर वो होंगे एक्स और वाई। P पॉइंट पर पार्टिकल के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक होगा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन O एंड पॉइंट P, जिसे हम R से डिनोट करेंगे, और ये R जो है X एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट विल बी द सेकेंड पोलर कोऑर्डिनेट थीटा। तो इस पार्टिकल के P पॉइंट पर पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे R एंड थीटा। तो स्टूडेंट्स, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, ये होगा हमारे पास X, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये होगा हमारे पास वाई। ये वाई है तो ये भी वाई होगा। अगर हम इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर कॉस थीटा, और इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करने पर वाई की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा। तो हमारे पास रिलेशनशिप आ चुका है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा के बीच में। एक्स होता है हमारे पास आर कॉस थीटा और वाई होता है हमारे पास आर साइन थीटा। टॉपिक की शुरुआत हम यहीं से करेंगे, तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक में आप क्या लिख के आएंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज गिवन एस। जो पार्टिकल के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा, उनके बीच में रिलेशनशिप होगा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वो हमने यहां पर देखा, और दूसरा होगा हमारे पास वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसकी हैमिल्टन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करनी है इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा। हैमिल्टन इक्वेशंस में हमारे पास आता है हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन जो है वो पार्टिकल की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। पार्टिकल की टोटल एनर्जी होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी द हैमिल्टोनियन ऑफ द पार्टिकल। तो सबसे पहले हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी, इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी, फिर दोनों को ऐड करके हमें इस पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन ऑब्टेन करना होगा, उसके बाद ही हम हैमिल्टन्स इक्वेशंस ड्राइव कर पाएंगे इन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा। तो शुरुआत कहां से करेंगे? लेट वी वेक्टर बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। हम मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। वी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, जहां पर वी एक्स होगा हमारे पास dx अपॉन dt और vy होगा हमारे पास dy by dt। तो अगर हम v का मैग्नीट्यूड निकालें तो वो होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन को दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड्स वी गेट, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx अपॉन dt। r cos थीटा का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। पहले हम r का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि होगा dr by dt cos थीटा एज इट इज रहेगा, प्लस अब हम r को ऐसे ही छोड़ देंगे, cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव करेंगे दैट विल बी d थीटा by dt। हमने अभी देखा कि dx by dt जो है वो vx के बराबर है, दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx, that will be equal to dr by dt को हम लिख सकते हैं r dot dot, जो है यहाँ पर r के first time derivative को represent कर रहा है cos theta plus minus minus r sin theta, and d theta by dt can be written as theta dot, यहाँ पर dot जो है वो theta के first time derivative को represent कर रहा है। तो vx की value हमने find out कर ली है fourth equation में। अब हम क्या करेंगे, second equation को differentiate करेंगे with respect to time, तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड्स वी गेट y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dt। यहां पर भी हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, पहले हम r का डिफरेंशिएशन करेंगे दैट विल बी dr by dt, साइन थीटा को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस अब हम r को ऐसे ही छोड़ेंगे,
साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी जो है वो वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डी वाई बाई डी टी की जगह हम लिख देंगे वी वाई, दैट विल बी इक्वल टू डी आर बाई डी टी, कैन बी रिटन एज आर डॉट साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी टी को हम लिख देंगे थीटा डॉट। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो हमने वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर लिया है। कनेटिक एनर्जी टी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, इस पार्टिकल की कनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर की जगह हम पुट करेंगे vx square plus vy square, so t will be equal to half m vx square plus vy square। ये हमारी sixth equation होगी। vx की value हम find out कर चुके हैं fourth equation में, और vy की value हम find out कर चुके हैं fifth equation में। तो fourth and fifth equation से vx and vy की values उठा के हम यहाँ पर put करेंगे, तो आप लिखेंगे using 4 and 5 in 6 we get t is equal to half m, vx की value है हमारे पास r dot cos theta minus r sin theta, theta dot ऊपर square है तो square लगा देंगे, उसके बाद हमारे पास plus vy की value हमारे पास r dot sin theta plus r cos theta, theta dot ऊपर square है तो यहाँ पर square लगा देंगे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे a minus b का whole square, जो कि होता है हमारे पास a square plus b square minus 2ab, तो आपको मिलेगा t is equal to half m, इसका square करेंगे r dot cos theta का square हो जाएगा r dot square cos square theta प्लस बी स्क्वायर, मीन इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट स्क्वायर, माइनस टू ए बी करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस टू ए, हमारा ये है आर डॉट कॉस थीटा, बी हमारा ये है तो आपको मिलेगा मल्टीप्लाई आर साइन थीटा इंटू थीटा डॉट। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के आपको तीन टर्म्स मिलेंगी, एक दो तीन। अब हम यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, पहले आप प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस लगाया आपने लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो आपको मिलेगा यहाँ पर आर डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट स्क्वायर प्लस टू ए बी करेंगे तो टू इंटू आर आर डॉट साइन थीटा मल्टीप्लाई आर कॉस थीटा, थीटा डॉट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये टर्म है हमारे पास माइनस टू आर डॉट कॉस थीटा आर साइन थीटा, थीटा डॉट, और ये हमारे पास प्लस टू आर डॉट साइन थीटा आर कॉस थीटा, थीटा डॉट, दोनों टर्म सेम है, यहाँ पर माइनस साइन है यहाँ पर प्लस साइन है, तो ये टर्म जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास एक दो तीन चार टर्म्स बचेंगी कनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में। इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे की डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने कनेटिक एनर्जी टी का एक्सप्रेशन यहां तक फाइंड आउट कर लिया था, अब हम इसे सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स r dot square cos square theta and r dot square sin square theta, इन दोनों में से हम r dot square जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा t is equal to half m r dot square कॉमन आ गया, अंदर है क्या cos square theta plus sin square theta plus, अब यहां पर इन दोनों टर्म्स में से यहां से और यहां से हम कॉमन ले सकते हैं r square theta dot square r square theta dot square, तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर है जगह हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा आर डॉट स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी वन होता है तो यहाँ पर रह जाएगा प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आगे हमारे पास कनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा, तो कहीं पर भी आपको कनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन यूज करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, डायरेक्टली हमें कई बार यूज करना पड़ता है, तो आपको याद रखना है कि टी होता है हमारे पास हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये है कनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा। अब हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ द पार्टिकल इज, जो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा का फंक्शन होगी, मींस वी विल बी द फंक्शन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास। अब हम पार्टिकल का लैग्रेंजियन फाइंड आउट कर सकते हैं, लैग्रेंजियन एल ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का जो लैग्रेंजियन है वो कनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, मींस एल विल बी इक्वल टू टी माइनस वी, यहाँ पर टी और वी की वैल्यूज पुट कर देते हैं, एल विल बी इक्वल टू टी की वैल्यू हमारे पास हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, माइनस वी की वैल्यू हमारे पास वी ऑफ आर थीटा, ये हमारे पास एट्थ इक्वेशन होगी। अब हम जनरलाइज मोमेंटम हमें पता है क्या होता है, वो होता है पीके इज इक्वल टू कर्ली एल बाय कर्ली क्यू के डॉट, क्यूके का कोरस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज मोमेंटम होता है वो पीके होता है, क्यूके के कोरस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम है पीके। हमारे पास यहाँ पर दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं आर एंड थीटा,
तो आर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज मोमेंटम होगा वो पी आर होगा, और थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज मोमेंटम होगा वो पी थीटा होगा। तो हम बारी बारी से क्यू के को आर भी लेंगे, थीटा भी लेंगे, और पी के को पी आर भी लेंगे, पी थीटा भी लेंगे। तो अगर हम पी के की जगह पी आर लें तो आपको क्या मिलेगा, पीके की जगह हमने पी आर लिख दिया, दैट विल बी इक्वल टू करली एल, और क्यूके की जगह हमें लेना पड़ेगा फिर आर, तो यहां पर आ जाएगा करली आर डॉट, क्योंकि यहां पर डॉट भी है, ये हमारी नाइन्थ इक्वेशन होगी। अब हम पीके की जगह लेंगे पी थीटा, तो पीके की जगह पी थीटा ले लिया तो इक्वल टू होगा हमारे पास करली एल बाय करली, क्यूके की जगह हमें लेना पड़ेगा थीटा, तो यहां पर हमें थीटा ले लिया, ऊपर डॉट है तो डॉट लगा दिया, ये हमारी टेंथ इक्वेशन होगी। अब हम इस एल की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे पहले, फिर यहां पर पुट करेंगे, देखेंगे हमें क्या मिलता है। तो आप लिखेंगे यूजिंग 8 in 9 वी गेट पी आर इज इक्वल टू करली बाय करली आर डॉट, करली बाय करली आर डॉट, और यहां पर एल है, एल की ये वैल्यू पूरी की पूरी यहां पर पुट करेंगे हम, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस वी ऑफ आर थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ एल। मीन्स अब हमें इस ब्रैकेटी टर्म का आर डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या मिलेगा हमें, पी आर इज इक्वल टू हाफ एम कॉन्स्टेंट है, आर डॉट स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन आर डॉट के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2 आर डॉट, यहां पर आर डॉट नहीं है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आर डॉट के रिस्पेक्ट में हो गया 0, यहां पर आर डॉट नहीं है तो यहां पर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आर डॉट के रिस्पेक्ट में हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो पी आर विल बी इक्वल टू एम आर डॉट, और यहां से आर डॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पी आर बाय एम, ये हमारी 11th इक्वेशन होगी, ये आगे यूज होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यहां पर अब हम क्या करेंगे, इस एल की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे 10th इक्वेशन की राइट हैंड साइड में, तो आप लिखेंगे यूजिंग 8 in 10 वी गेट P थीटा इज इक्वल टू करली बाय करली थीटा डॉट, यहां पर L की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस वी ऑफ आर थीटा। मीन्स अब हमें इस पूरी ब्रैकेटेड टर्म का थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको क्या मिलेगा, हाफ एम कॉन्स्टेंट है, यहां पर थीटा डॉट नहीं है तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0, आर स्क्वायर ऐसे ही आ गया, थीटा डॉट स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में 2 थीटा डॉट, वी जो है वो थीटा डॉट का फंक्शन नहीं है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो पी थीटा विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो यहां से थीटा डॉट की वैल्यू आ जाएगी पी थीटा बाय एम आर स्क्वायर, ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। अब हम फाइंड आउट करेंगे हैमिल्टोनियन एच ऑफ द पार्टिकल, जो कि पार्टिकल की टोटल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, सो एच विल बी इक्वल टू टी की वैल्यू हमें पता है ये है, टी की वैल्यू पुट करेंगे हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस वी, वी की वैल्यू हमारे पास वी ऑफ आर थीटा, ये हमारी 13th इक्वेशन होगी। हमारे पास आर डॉट की वैल्यू भी मौजूद है और हमने थीटा डॉट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है 12th इक्वेशन में, तो अगर हम 11 और 12th इक्वेशन को 13th इक्वेशन में यूज करें सो एच विल बी इक्वल टू हाफ एम, आर डॉट की जगह हम पुट करेंगे क्या पी आर बाय एम, पी आर बाय एम का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, प्लस आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, थीटा डॉट की जगह हम पुट करेंगे पी थीटा बाय एम आर स्क्वायर, पी थीटा बाय एम आर स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, प्लस वी ऑफ आर थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और बाकी का काम प्रोसीड करेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन यहां तक फाइंड आउट कर चुके थे, आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो एच विल बी इक्वल टू हाफ एम, स्क्वायर करेंगे इसका तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर आर बाय एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर थीटा बाय एम स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस वी आर थीटा। तो डिनोमिनेटर में से हम एम स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा एच इज इक्वल टू हाफ एम, नीचे से एम स्क्वायर कॉमन आ गया, पी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर की पावर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर रह जाएगा, प्लस पी थीटा स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर थीटा, ये हमारी 14th इक्वेशन होगी। एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ एक एम रह जाएगा नीचे, तो ये हो गया हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑफ अ पार्टिकल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा, ये हमारा है हैमिल्टोनियन, ये हमारी 14th इक्वेशन होगी। अब हमारे पास हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन दो होती है, पहली होती है क्यूके डॉट इज इक्वल टू करली एच बाय करली पी के, दूसरी होती है पीके डॉट इज इक्वल टू माइनस करली एच बाय करली क्यूके। अभी आपको बताया गया था क्यूके के कोरोस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज मोमेंटम है वो है पीके, हमारे पास दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, एक है आर, उसके कोरोस्पॉन्डिंग हमारे पास जनरलाइज मोमेंटम होगा पी आर, और दूसरा है हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा, उसके कोरोस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम होगा पी थीटा। तो बारी बारी से हमें क्यूके की जगह आर और थीटा लेना होगा और पीके की जगह पी आर एंड पी थीटा लेना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली। तो क्यूके की जगह हम पहले आर लेते हैं तो ये बन जाएगा आर डॉट इज इक्वल टू करली एच बाय, पीके की जगह आर के कोरोस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम लेना होगा दैट इज पी आर, ये हमारी होगी
15th इक्वेशन। अब हम क्यूके की जगह लेंगे थीटा, तो ये बन जाएगा थीटा डॉट इज इक्वल टू करली एच बाय करली पी, पीके की जगह हम लेंगे पी थीटा, दैट इज द कॉन्जुगेट मोमेंटम या फिर जनरलाइज मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा, ये हमारी 16th इक्वेशन होगी। इसी तरह से अब हम पीके की जगह पहले पी आर लेंगे, तो ये बन जाएगा पी आर डॉट इज इक्वल टू माइनस करली एच बाय क्यूके की जगह हमें लेना होगा आर, ये हमारी होगी 17th इक्वेशन। इसी तरह से अब हम पीके की जगह लेंगे पी थीटा, ऊपर डॉट आता डॉट आ जाएगा, माइनस कर लिया एच बाय, और क्यूके की जगह हम लेंगे थीटा, तो ये होगा हमारे पास 18th इक्वेशन। तो एच की ये वाली वैल्यू बारी बारी से हम 15th इक्वेशन में यहां पर, 16th इक्वेशन में यहां पर, 17th इक्वेशन में यहां पर, 18th इक्वेशन में यहां पर पुट करेंगे, तो हमें चार हैमिल्टन इक्वेशन मिलेंगी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा। तो शुरू करते हैं काम, यूजिंग 14 इन 15 वी गेट, तो एच की वैल्यू को 14 इक्वेशन से उठा के यहां पर पुट करेंगे, तो आपको मिलेगा आर डॉट इज इक्वल टू करली बाय करली पी आर ऑफ एच, एच की वैल्यू पूरी की पूरी हमने ये वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दी है। मीन्स अब हमें इस ब्रैकेटेड टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है पी आर के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा आर डॉट इज इक्वल टू 1/2 एम कॉन्स्टेंट है, पी आर स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन पी आर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2 PR, यहां पर पी आर नहीं है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन पी आर के रिस्पेक्ट में हो गया 0, वी जो है वो पी आर का फंक्शन नहीं है तो वी का पार्शियल डिफरेंशिएशन पी आर के रिस्पेक्ट में हो गया 0, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो आर डॉट विल बी इक्वल टू पी आर बाय एम। ये हमारी पहली हैमिल्टन इक्वेशन होगी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा। अब हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू को यहां से उठाकर 16th इक्वेशन में यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 14 इन 16 वी गेट थीटा डॉट इज इक्वल टू करली बाय करली पी थीटा, एच की वैल्यू पुट कर दी ब्रैकेट में हमने पूरी की पूरी, मीन्स अब हमने इस पूरी टर्म का पी थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको क्या मिलेगा, थीटा डॉट इज इक्वल टू 1/2 m, पी आर स्क्वायर जो है वो पी थीटा का फंक्शन नहीं है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 हो गया, प्लस पी थीटा स्क्वायर का पी थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा 2 PR बाय आर स्क्वायर, वी जो है वो पी थीटा का फंक्शन नहीं है तो यहां पर आपको 0 मिलेगा, तो 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सो थीटा डॉट विल बी इक्वल टू पी थीटा बाय एम आर स्क्वायर। ये हमारी सेकंड हैमिल्टन इक्वेशन होगी इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा। अब हम क्या करेंगे, 14th इक्वेशन से एच की वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट करेंगे 17th इक्वेशन में, तो आप लिखेंगे यूजिंग 14 इन 17 वी गेट पी आर डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ करली बाय करली आर 1/2 m पी आर स्क्वायर पी थीटा स्क्वायर, ये 1/r स्क्वायर था इसे ऊपर लेके r की पावर -2 लिख दिया, प्लस v ऑफ r थीटा, मींस अब हमें इस पूरी टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है r के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा पी आर डॉट इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज 1/2 m, पी आर जो है वो r का फंक्शन नहीं है तो यहां पर 0 आ जाएगा, पी थीटा स्क्वायर ऐसे ही आएगा, आर की पावर -2 का आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, -2 आगे आएगा, आर पावर में से एक माइनस होगा तो यहां पर -2 -1 हो जाएगा -3, प्लस वी जो है वो आर का फंक्शन है तो वी का पार्शियल डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा करली वी बाय करली आर, तो हम क्या करते हैं इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं, -- हो जाएगा प्लस पी थीटा स्क्वायर, नीचे है एम, आर की पावर -3 को नीचे लेके आएंगे तो ये आर क्यूब बन जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस करली वी बाय करली आर, सो पी आर डॉट विल बी इक्वल टू पी थीटा स्क्वायर बाय एम आर क्यूब माइनस करली वी बाय करली आर। ये आपकी थर्ड हैमिल्टन इक्वेशन होगी इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, 14th इक्वेशन से एच की वैल्यू को उठाकर 18th इक्वेशन में राइट हैंड साइड में यहां पर पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 14 इन 18 वी गेट पी थीटा डॉट इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली थीटा, ऐसी आएगा, एच की वैल्यू पूरी की पूरी उठाकर हमने पुट कर दी ये वाली सेम टू सेम। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पूरी टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो माइनस साइन एज इट इज 1/2 m, पी आर जो है वो थीटा का फंक्शन नहीं है तो यहां पर 0 आ गया, पी थीटा स्क्वायर बाय आर स्क्वायर थीटा का फंक्शन नहीं है तो यहां पर 0 आ गया, वी जो है वो थीटा का फंक्शन है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा करली वी बाय करली थीटा, ये पूरी टर्म 0 हो गई, और करली वी बाय करली थीटा को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पी थीटा डॉट इज इक्वल टू माइनस करली वी बाय करली थीटा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, आपको चार हैमिल्टन इक्वेशंस ऑफ मोशन मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ, टिल देन टेक केयर।